लाठी लेके उतर जाते तो इन लोग कोई बचता? कटिहार मामले पे 7 यादवों की हत्या हुई, हम लोग चुपचाप थे ना? चंद लफुआ लोग जो कौन कौन सेना बना के आज अपने आप को समाज का नेता कहता है, ऐसे लोगों को जहां देखिए वहां पीटिए। अहीर हैं, गर्व है अहीर होने पे। तुम लोगों ने राजपूत समाज के जो सूरवीरों का समाज कहा जाता था उसको तुम लोगों ने बुजदिलों का समाज बना दिया है। मजबूत लोग कभी भी कमजोर लोगों के आगे लड़ा नहीं है और हम लोग अहीर हैं, अपने आप को मजबूत मानते हैं, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर लोगों को ये आभास है कि हम लोग कमजोर हैं तो शायद बहुत बड़ा माहौल खराब हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने इस कायरता से एक अकेली महिला पर 1500 लोगों ने वार किया है, वो राजपूत समाज को कलंकित किया है, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान जैसे सूरवीरों को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया है, और ऐसे लोगों के लिए मैं कभी सूरवीरता का प्रतीक नहीं मानूंगा। ऐसे लोग कलंक है अपने समाज पे, और इनकी आर में जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। ऐसे लोगों पे प्रशासन उचित कार्रवाई करे, वरना ऐसे लोग समाज में एक बड़ा कलंक और घाव बनकर निकलेंगे और पूरे समाज को खा जाएंगे ये लोग। इन लोगों की ये प्रवृत्ति हो चुकी है। बिहार के माझा थाना इस समय सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे एक क्रिएटर आते हैं, क्रिएटर बहुआ के नाम से पेज चलाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और अपने समाज के करनी सेना को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग किस दिन के लिए समाज के काम करेंगे। एक बहन रो रही है और आप लोग को तनिक भी शर्म नहीं आ रहा है, आप लोग वहाँ जाइए। और वहाँ पे 11 बजे एक आदमी सोशल मीडिया पे लिखता है कि 11 बजे पहुँचिए, और सारे लोग पहुँचते हैं और उसके बाद में घर को आग लगा दिया जाता है। आप सबको ही जान रहे हैं कि किस तरह से यादव और राजपूत की लड़ाई चल रही है। हमारे साथ में जाप के छात्र विंग के नेता मनीष यादव है, पूर्व अध्यक्ष है पटना यूनिवर्सिटी के। मनीष जी, यादव वर्सेस राजपूत अब हो रहा है? देखिए, यादव वर्सेस राजपूत हुआ नहीं, कुछ चंद घटिया मानसिकता कह लीजिए, दोगली मानसिकता कह लीजिए, कुछ चंद पत्रकारों ने, स्वजातीय पत्रकारों ने एक समाज के, उसने वहाँ जाकर इस तरह का माहौल डेवलप कर दिया कि ये उन्माद बड़े स्तर पर फैल गया। दरअसल ये आपसी विवाद का मामला था। पूर्व में विजय यादव जी के पिता की हत्या इन्हीं लोगों ने की थी, जिन लोगों ने उस दिन मुर्गी लेने या रंगदारी करने जो भी लोग भी गए होंगे। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। देखिए, किसी की कोई भी परिवार की तरफ से कोई मारा जाएगा या कोई घटना होगी तो किसी का भी परिवार एग्रेसिव रहेगा। उन चीज़ों को सोशल मीडिया में चलाकर एक समाज को चैलेंज कर देने से कोई भी जात कहीं ना कहीं आग बबूला होगा और रिएक्शन होगा। लेकिन इन लोगों के पीछे हाथ किसका था? चंद कुछ दोगले मीडिया की। मैं नाम नहीं लूँगा, उन लोगों के नाम लेने से मुझे लगता है कि समाज में एक गंदा मैसेज जाएगा। ये लोग इतनी बड़ी गंदगी हैं मीडिया लाइन के। और इसके बाद ये हुआ, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसे मीडिया और चंद लफुआ लोग जो कौन कौन सेना बना के आज अपने आप को समाज का नेता कहता है, ऐसे लोगों को जहाँ देखिए वहाँ पीटिए। ऐसे लोगों पर प्रशासन उचित कार्रवाई करे, वरना ऐसे लोग समाज में एक बड़ा कलंक और घाव बनकर निकलेंगे और पूरे समाज को खा जाएंगे ये लोग। इन लोगों की ये प्रवृत्ति हो चुकी है, कहीं कुछ हो सामाजिक दंगा फैलाने में इन्हीं लोग का अहम योगदान रहता है। अभी तो एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि जहां वे लोग मिले पीटे, तो ये कानून को हाथ में लेने का बात कह रहे हैं आप? अरे भाई, आप हमसे कानून, हम लोग तो जितना संयम बनाकर रखने वाले लोग हैं, जितना सभ्य लोग हैं, लाठी लेके उतर जाते तो इन लोग कोई बचता? कटिहार मामले पे 7 यादवों की हत्या हुई, हम लोग चुपचाप थे ना? लिख ही ना रहे थे फेसबुक पे। विजय यादव जी की पिता की पहले हत्या हुई उन्हीं लोगों ने की, उससे पहले उनकी भाई की हत्या हुई, उनकी भौजाई हार्ट अटैक से मर गई। 1500 लोग, अपने आप को आप लोग सूरवीर कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो राजपूत समाज के लोग थे, लेकिन जो भी लोग थे जिनके नाम पर यह दंगा फैलाया गया वो सूरवीर थे क्या? वो सबसे बड़े कायर थे जो राजपूतों का नाम आगे करके इस घटना को अंजाम दिए हैं। और ऐसे गुंडा मवाली लफुआ टाइप लोगों को सही मायने में प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो जनता इसका जवाब दे, और ये जवाब मिलना ही चाहिए ऐसे लोगों को, तभी समाज में सुधार होगा। जनता को कानून कहीं ना कहीं हाथ में लेना पड़ेगा। अगर कानून इन लोगों को अपने हाथ में नहीं ले रही है तो कानून अगर हाथ में नहीं लेते तो जनता को हाथ में लेना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा? किसी का घर फूंक दिया जा रहा है, मवेशी जला दिया गया, पूरा घर बर्बाद कर दिया गया, उसका परिवार नहीं है क्या? कोई चूड़ी पहन के बैठा है क्या? हम चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? क्या आप लोग बात करते हैं? जवाब तो हमेशा दे सकता है कोई भी। हम लोग देखिए, मजबूत लोग कभी भी कमजोर लोगों के आगे लड़ा नहीं है, और हम लोग अपने आप को मजबूत मानते हैं, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर लोगों को ये आभास है कि हम लोग कमजोर हैं तो शायद बहुत बड़ा माहौल खराब हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने भाइयों को कहना चाहते हैं कि आपसी लड़ाई को जातीय लड़ाई में मत तब्दील कीजिए,
चंद कुछ गुंडे मवालियों का ये कारनामा है। कोई राजपूत समाज हम नहीं कहेंगे कि इसमें इन्वॉल्व है। राजपूत समाज के नाम पे जो आज कई तरह के सेना बन गए हैं, जवाब उनको देना है और लड़ाई उनसे लड़नी है। ऐसे लोगों को पीटिए, ऐसे लोगों को खदेड़िए ताकि दोबारा इस घटना समाज में ना हो। एक आदमी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया और उसमें सीधे सीधे टाइटल लगाया कि अहिर मुखिया, अहिर दरोगा, अहिर विधायक और अहिर मंत्री के पे ये सारा का सारा काम हो रहा। भाई तो अहिर है तो राजपूत भूमियार कहिएगा, क्या बात करते हैं। है अहिर, गर्व है कि अहिर है, अहिर को क्या कहिएगा। ठीक है लिखा, गलत थोड़ी लिखा, अहिर हैं, गर्व है अहिर होने पे। लेकिन तुम लोगों को अपने समाज पे कलंकित तुम लोग कर रहे हो। तुम लोगों ने राजपूत समाज के जो सूरवीरों का समाज कहा जाता था उसको तुम लोगों ने बुजदिलों का समाज बना दिया है। जिन लोगों ने इस कायरता से एक अकेली महिला पे 1500 लोगों ने वार किया है वो राजपूत समाज को कलंकित किया है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे सूरवीरों को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया है। और ऐसे लोगों के लिए मैं कभी सूरवीरता का प्रतीक नहीं मानूंगा। ऐसे लोग कलंक है अपने समाज पे और इनकी आर में जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। महाराणा प्रताप से लेकर के एक पद्मावत फिल्म आई थी तो उसमें बताया गया था कि जो जिसका सर कट जाए धर लड़ता रहे वो राजपूत होता है। ये लोग जो 1500 से गए थे, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता में, पूर्व में, लड़ाई में। तो ये लोग महापुरुष थे जिनको हम लोग भी मानते हैं, लेकिन उनके नाम को जिस तरह से बदनाम किया गया है, राजपूत की सूरवीरता को जिस तरह से बदनाम किया है, ये कहीं ना कहीं राजपूत समाज पे एक बहुत बड़ा प्रहार कह सकते हैं इसको। और ऐसे बुजदिल कह लीजिए, ऐसे लफुआ गुंडा लोग अगर राजपूत समाज के हैं तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज पूरी तरह से कलंकित है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, मनीष यादव है साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, जिन लोग के चलते ये सब कुछ हुआ है, ये सही नहीं है, उन लोग के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए।